है 2000 रुपए के, 2009 रुपए भाई। ये है ये पीछे के ब्रेक पैड, ये पुराने वाले भैया। बैक टू द चैनल, थैंक यू सो मच फॉर द लवली रिस्पॉन्स आपने पिछली वाली वीडियो में दिखाया गाइस, जैसे आपको दिख ही रहा होगा ऑरेंज ऑरेंज। तो आज आ रखा हूँ मैं KTM। तो भाई वो जो प्रॉब्लम थी ना, एक तो वो सॉल्व हो गई आज, ठीक है, इसका नया अपडेट आया है, प्लस मेरे को आज ब्रेक पैड चेंज कराने आगे पीछे के। तो चलते हैं, सुबह सुबह का वक्त है भाई, एनर्जी एकदम बढ़िया है। थैंक यू सो मच जो आप इतना प्यार दिखाते हो। और भाई पहले बता दूं, मेरी बाइक पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को पर्सनली लगती है ना कि मैं हर दूसरे दिन सर्विस स्टेशन पहुंचा मिलता हूं, तो कभी मिलो मेरे से GFR में और चला के देखो मेरी बाइक, ठीक है ना भाई। 130 से ऊपर गई, मेरा नाम बदल देना। तो आज चलते हैं ब्रेक पैड चेंज कराने, क्योंकि किलोमीटर हो चुके हैं 1245, मतलब समथिंग 12,000 चल चुकी है, ठीक है। तो आज दोनों ब्रेक पैड चेंज होंगे। मैं पहले भी आया था चेकअप कराने, तो भैया ने बोला था भैया वो ट्रिप कराओ, देन उसके बाद चेंज करा लेना। तो ट्रिप कराने के बाद अब जाकर टाइम मिला है। प्लस वो जो अभी जो इससे प्रीवियस वाली वीडियो थी जिसमें डिस्प्ले पूरी गायब हो गई, मैंने गाना का कनेक्ट किया एक बार तो पूरी डिस्प्ले गायब हो गई, वो वीडियो भी आपने देखी होगी। और प्लस यार एक चीज़ है कि अब जो मेरे पास चीज़ है ना, मैं उसके हमेशा जेन्युइन रिव्यू दूंगा आप लोगों को, ताकि प्रॉब्लम ना हो किसी को भी, मतलब चाहे एडवेंचर ओनर हो या अगर कोई एडवेंचर सोच रहा लेने की, तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे एक MTC की प्रॉब्लम आई थी, वो पूरी दिल्ली में भाई किसी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होता, जो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी बाइक के साथ। तो ये सब चीज़ें मेरे को लगता है कि यार शेयर करते रहना चाहिए, क्योंकि ना यार पता क्या होता है राइडर्स को, क्या होता है, अब जैसे वो इंजन ऑयल वाली प्रॉब्लम थी, उस पर मैं बहुत डर गया था, मतलब सीरियसली मैं डर गया था, मतलब परेशान था मैं काफ़ी टाइम से। फिर पता लगा कि ऑयल फिल्टर के चक्कर में चोक हुआ था, इसलिए इंजन ऑयल कम निकला। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बट स्टिल एक अंदर रहता है कि हाँ दोनों चेंज। तो अभी आपको ब्रेक पैड दिखाता हूँ, चलते हैं। तो एक प्रॉब्लम रहती है यार, दिमाग में एक प्रॉब्लम रहती है कि यार इंजन के ऊपर जब बात आ जाती है ना, तो बहुत डर लगता है भाई सच में। पिछली बार मैं सर्विस कराने आया था, तो इसमें मेरी एनर्जी भी थोड़ी लो हो गई थी इस चक्कर में। तो मैं आपको ब्रेक पैड दिखाता हूँ पुराने, और चलते हैं। तो भाई ये है ये पीछे के ब्रेक पैड जो है, खाली 250 रुपये कुछ के हैं पीछे के, तो है ना, आगे के महंगे हैं, आगे के 2200 रुपये कुछ के हैं। चलो भैया लो लगा दो यार, एक बार पीछे के भी निकालना कैसे लगते हैं देखेंगे एक बार। ये है पीछे वाले, एक बार नया वाला दिखाना भैया, रखना हाथ में। ये है डिफरेंस, सेम ही लग रहे हैं मेरे को तो। कम किसे हैं बट पीछे वाले है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको। कोई नहीं, कितने चल जाएंगे और इसके आपके हिसाब से इसके, ये 1000। तो गाइस ये आ चुके हैं ब्रेक पैड्स, ये हैं आगे के भाई, वैसे जो हैं 2000 रुपये के, 2009 रुपये, बाकी लेबर अलग रखी है यहाँ पे। तो ये है पार्ट, अभी एक बार आपको ना नया भी दिखाता हूँ, पुराना भी दिखाता हूँ मैं, कितना फ़र्क है वैसे, है ना। घिस चुके हैं ना पूरे, पूरे घिस चुके हैं ना गाइस, ये हैं नए वाले, तो पूरे घिस चुके हैं। 12,000 ही चलते हैं ना वैसे, कितने चल जाते हैं वैसे, 10-12,000 इतने ही रहते हैं लाइफ, या ज़्यादा भी चल जाते हैं चलाने के ऊपर, ब्रेक यूज करो तो और कम भी चलेंगे, ज़्यादा ही यूज करो और ब्रेक लगाओगे नहीं तो फिर चलते ही रहेंगे। तो गाइस आगे के ब्रेक पैड से भाई 2000 कुछ के जो हो चुके हैं चेंज, प्लस यहाँ पे लाइट अच्छा रहे तभी मैं बार बार यहाँ आ रहा हूँ, और पीछे के हैं 250 कुछ के। तो ठीक है यार, 12,000 में मतलब 2800 रुपये कुछ, कोई नहीं भाई चलाते चलाते कोई दिक्कत नहीं है, 12,000 किलोमीटर में 2800 रुपये कुछ लगे मेरे, ठीक है। अभी जो इंजन ऑयल वाली जो प्रॉब्लम थी ना, वो भी सॉल्व हो गई, ठीक है। ऑयल फिल्टर के चक्कर में भाई अंदर चौक हो रहा था ऑयल, तो उसके बाद थोड़ा अच्छा लगा हमें। अभी भी हमने चेक किया, मतलब सर्विस जो लास्ट सर्विस कराई थी उसके बाद 2300 किलोमीटर चल चुकी है, देन उसके बाद भी मतलब अभी भी आई थिंक भैया कह रहे 100 ग्राम बहुत है, 100-200 ग्राम तो जस्ट टॉपअप हो रहा है, तो बढ़िया आ रहा है एकदम, मतलब झुकाते ही वो दिखा देते ऊपर, तो सही है यार। ये सब चीज़ें ना देखती रहनी चाहिए। प्लस हमने DIY सेशन अटेंड किया था, तो भाई उसके बाद से तो मैं थोड़ा और ज़्यादा थोड़ा मतलब बाइक पर ध्यान देने लग गया कि क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए। प्लस ठीक है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ऐसे आपको मिलती रहेगी मेरे चैनल पे भाई। देखो जो चीज़ अच्छी होगी तो मैं तारीफ भी करता हूँ बाइक की, और जो चीज़ बुरी होगी तो भाई करता ही करता हूँ। देखो क्योंकि अब जो TFT डिस्प्ले गायब हुई थी,
आई डोंट नो कि किसी और की ऐसे हुई होगी या ना हुई हो, बट एक पता लग जाएगा व्यूअर को, हाँ भाई एडवेंचर में ये सब चीज़ें भी होती हैं, ठीक है, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद भी ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, इंजन ऑयल टॉप अप कराते हैं प्लस वॉशिंग करवाते हैं। ब्रेक पैड्स भी चेंज हो गए प्लस आगे पीछे के ब्रेक पैड भी चेंज हो गए प्लस इंजन ऑयल भी टॉपअप हो गया, सही है। गाइस बाइक तो हो गई भाई एकदम बढ़िया साफ हो गई, एकदम चमचमाती दिख ही रही होगी, धूप वैसे बहुत है, चेन भी लीप हो गया, इंजन ऑयल टॉपअप हो गया। तो भाई टोटल आया वैसे 2900 का बिल आया वैसे, आगे पीछे के ब्रेक पैड्स बस इंजन ऑयल थोड़ा टॉपअप हुआ था, बाकी वॉशिंग वगैरह हर चीज़ मिला के, क्योंकि पिछली एक मेरी वॉशिंग रह रही थी तो मैंने वो भी करा ली, तो सब कुछ सही था। बाकी अगर आपकी भी अगर 12,000 चल गई हो तो भाई एक बार प्लीज़ सर्विस सेंटर विजिट कर लेना, ताकि ब्रेक पैड्स एक बार चेक हो जाए और बाकी इंजन ऑयल चेन वगैरह हर चीज़ चेक हो जाए, इवन कूलेंट भी चेक हो जाए। तो गर्मी आ गई तो अगली सर्विस में वो कूलेंट पूरा रिप्लेस कराऊंगा मैं। तो इस वीडियो में यही था, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। अगर गाइस आपको 1% भी अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है ना तो लाइक करना और कमेंट करना ज़रूर, ठीक है। और भाई ADV की देखो तारीफ भी होती है, काफ़ी बेइज्जती भी करता हूँ मैं, ठीक है, बाय बाय।